हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो अपन ने पढ़ा था, जिसको अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये कहें दो प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ने वाले हैं। राइट, दो ही प्रॉपर्टीज होती है पीपीसी की, इन शॉर्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। क्या क्या होती है? नंबर वन, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको याद है पीपीसी का ये शेप था अपना, ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, पहली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन को याद है अपने का एग्जांपल लिया था, लैंड का एग्जांपल लिया था अपन ने, इधर अपने पास वीट थी, इधर अपने पास क्लोथ था, इधर अपने पास वीट थी, ठीक है ना। अपने लैंड का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे अगर एक चीज की कमोडिटी का प्रोडक्शन रहेगी तो दूसरे का काम होगा, राइट, याद है ना अपन ने किया था। यही रीजन है जिसकी वजह से पीपीसी लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है, मतलब विद इन गिवन रिसोर्सेज। जो मेरा रिसोर्स है लैंड, गिवन फिक्स रिसोर्स है, जैसे प्रोड्यूसर इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन एक गुड का, व्हेन अ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, जैसे प्रोड्यूसर एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, एक्स का प्रोडक्शन मैंने बढ़ाया, ही हैज टू सैक्रिफाइस, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। जैसे अपन ने ये किया है, पहले अपन ने एक्स जीरो प्रोड्यूस कर रहे थे और वाई हंड्रेड कर रहे थे, वीट और अपना क्लोथ था, अपन ने एक्स और वाई लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। जैसे ही मैंने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया कॉम्बिनेशन बी में, जैसे मैंने एक्स का प्रोडक्शन वन यूनिट करा, तो मेरे को वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, मैंने कुछ पार्ट मेरा रिसोर्स का इसने भी ले लिया एक्स ने, तो वाई को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। यही रीजन है जो पीपीसी अपना ये डाउनवर्ड स्लोप करता है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में, कॉन्केव होता है और एक कॉन्वेक्स होती है, दो तरह के मिरर्स होते हैं ना, कॉन्केव की शेप होती है अपनी ऐसे वाली और कॉन्वेक्स शेप होती है अपनी ये, दिस इज कॉन्केव। पीपीसी की शेप होती है कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है ना। अब पीपीसी कॉन्केव होता है ओरिजिन से, आप देख लीजिए ये ओरिजिन है और ये कॉन्केव हो रहा है, इसका रीजन क्या है आप देखना। जब भी अपन ने एक चीज सिंपल पहले समझ लो होता क्या है, जैसे अपन एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझना कि क्या बोलने वाली हूँ, जैसे ही अपन एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले जितना दूसरे गुड को अपन सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, उससे ज्यादा अपन को एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे एक यूनिट बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कितना पड़ रहा था, 10 यूनिट्स करना पड़ रहा था ना, सिर्फ एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे 10 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। अभी भी मुझे एक यूनिट ही बढ़ाना है, 1 से 2 पे आना है, सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करिए एक्स्ट्रा, पर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितना पढ़ना पड़ा, 90 - 70 = 20। सिंपल सी बात ये है कि पहले मेरे को जितना प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना सेक्रीफाइस करना पड़ता था वाई का, अब एक्स की एक उतनी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पहले से। आगे देखें अपन, जैसे मुझे अभी मेरे को एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 10 क्यों नहीं कम हो रहा घर में, आप देख लीजिए पहले 10 कम हुए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के पहले 10 मैंने सेक्रीफाइस करा वाई का, फिर मैंने एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अब मुझे 20 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब मैं वापस सिर्फ एक यूनिट ही बढ़ा रही हूँ, सेम यूनिट बढ़ा रही हूँ, पर सेक्रीफाइस मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है। अब की बार कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 70 - 40 = 30। अब वापस सिर्फ एक यूनिट बढ़ाइए, 3 से 4 की सिर्फ एक यूनिट बढ़ाइए, सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 40 पूरा, 40 - 0 = 40, दिस इज नथिंग, तो 40 - 0 = 40। मतलब सिंपल सी बात है, पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, इसका मतलब जितना मुझे एक यूनिट को, पहली यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए, पहली यूनिट को इंक्रीज करने के लिए जितना मेरे को दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अब उसी यूनिट की, पहली कमोडिटी की उसी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे वाई की ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब पहले एक चीज देने के लिए मुझे एक यूनिट देनी, 10 यूनिट देनी पड़ती थी, अब एक यूनिट को देने के लिए, एक यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 20 यूनिट देनी पड़ रही है, बढ़ाते जाने हैं। इसको अपन बोलते क्या है अपन इकोनॉमिक्स के टर्म में, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब अपन इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर ये जो हुआ ना अपन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी रिसोर्स की कम होती है, इतनी इफिशियंसी थोड़ी ना होती है। आज मैंने मार्कर खरीदा, सिंपल सी बात है, मैंने फर्स्ट डे इसको यूज करा तो उतनी इफिशियंसी, और जो मैं 6th या 7th डे यूज करूँगी इसकी इफिशियंसी में फर्क पड़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ेगी ना, दैट इज द ओनली, राइट फ्रेंड। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपीसी विद सेंटर प्रॉब्लम्स। पीपीसी को अपन, पीपीसी से अपन सेंटर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
अपन के जैसे अपन को पता है तीन मेन सेंटर प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कैसे करते हैं अपन, व्हाट टू प्रोड्यूस अपन पीपीसी के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। अपन को याद है अपन ने जब भी एक का प्रोडक्शन बढ़ाया दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ा अपन को, क्यों? क्योंकि अपने पास रिसोर्स लिमिटेड है। अभी यहाँ देखिए गुड एग्स है, पहले गुड एग्स जीरो प्रोड्यूस कर रहे थे ए कॉम्बिनेशन में, और ये सब कुछ पहले वाला ही है, बस मैं एक बार इसको समझाने के लिए वापस बना रही हूँ। सब कुछ वही चीज है जो अपन पहले समझ चुके हैं। पीपीसी के साथ कैसे सेंडर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिर्फ ये बताना है मुझे। जीरो यूनिट्स मैंने एक्स की प्रोड्यूस करी तो वाई की 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, ये पूरी लैंड अपन को वाई के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। अब मैंने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो वाई का प्रोडक्शन कम होगा, एक्स का प्रोडक्शन वन कर दिया, जीरो से लेके मैंने वन कर दिया तो वाई का 100 से 90 पे आगे कम हो गया। फिर मैंने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इतना कर दिया, पहले इतना हो रहा था वाई का और नीचे हो गया। फिर एक्स का प्रोडक्शन 3 यूनिट्स तक कर दिया, वाई का 70 से आगे 40 पे एंड सो ऑन। बेसिकली क्या होगा सर, व्हाट टू प्रोड्यूस में अपन ये देखेंगे, अगर मुझे वीट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्लोथ कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर मुझे क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो वीट कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सिर्फ इसी के बीच में अपन चलते हैं जो सेंटर प्रॉब्लम अपन पीपीसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अपन ने याद है अपन ने देखा था पीपीसी पे जो भी पॉइंट्स आएगा, मतलब कि इफिशियंट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अजम्पशन में था अपना इफिशियंट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, इफिशियंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आप खुद ही बताइए ए बी सी अगर इन कॉम्बिनेशन में कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है या ये कहें इन कॉम्बिनेशन पे इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है तो इफिशियंट यूज होगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी। अगर ई पे ई कॉम्बिनेशन पे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रही है, ई कॉम्बिनेशन पे अपनी इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, इनइफिशियंट यूज होगा, क्योंकि पीपीसी भी तो पीपीसी पे ही तो इफिशियंट यूज होता है, पीपीसी के अंदर आए तो इनइफिशियंट टेक्नोलॉजी पर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। राइट, नाउ कम्स आवर थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अपन ने देखा था दो लोगों के लिए दो कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अपन प्रोड्यूस करते हैं, या तो रिच के लिए या फिर पुअर के लिए। अगर अब यहाँ पे पीपीसी इंक्रीज हो रहा है, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है जब इंक्रीज हो रहा है। आप कोई भी चीज़ एक बताइए, अगर अपन रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, या फिर ये कहे अगर रिच पीपल पे प्रोड्यूस करेंगे अपन तो अपने पास सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो अपन जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो सेव ज़्यादा है, सेव ज़्यादा तो अपन क्या करेंगे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे ना। पीपीसी राइट में शिफ्ट हुआ सेंटर प्रॉब्लम्स के कनेक्शन में तो हमेशा अपन का सेविंग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है, या फिर ये क्या प्रोडक्शन अपना रिच के फेवर में ज्यादा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का वो रिच पीपल के फेवर में ज्यादा हो रहा है। राइट, फोर्थ पॉइंट, आप अपना पीपीसी पे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा अपन ने देखा था फुल एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे अपन ने टेक्नोलॉजी का देखा था इफिशियंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी पॉइंट पीपीसी पे आएगा उसका मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, पीपीसी के अंदर आ गया तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा नहीं होगा। अपन ने देखा था लेबर का 100 लोगों का हम काम दे सकते हैं पर हम 70 को मिल पाया काम, क्यों? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एंड लास्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अपना पीपीसी राइट में शिफ्ट हुआ, रिसोर्स की ग्रोथ हुई नहीं हुई, पहले मेरा ए यहाँ से यहाँ तक ओ ए प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ठीक है, वाई कमोडिटी का और एक्स कमोडिटी का ओ बी प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब वाई कमोडिटी का ओ ए से शिफ्ट होकर ओ सी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया ना। सिमिलरली वाई का सॉरी एक्स का ओ बी से प्रोड्यूस करके ओ डी प्रोड्यूस करने लग गए, इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज की। राइट पर शिफ्ट हो रहा है मीन्स ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज की, इंक्रीज हो रहा है रिसोर्सेज, प्रोडक्शन रिच पीपल के हो रहा है एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटेल में। राइट, थैंक यू।